घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूँ मुकेश तिवारी और इस वक्त हम खड़े हैं प्रयागराज कुंभ में संगम के तट पर। देश भर से साधु संतों महंतों का यहाँ आना जारी है। भक्त तो आ ही रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महंत बालकृष्ण दास जी। हम उनसे पूछते हैं कि कुंभ में कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। शाही स्नान हम लोगों ने किया, शाही स्नान में बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई थी और सभी अखाड़े वाले बहुत प्रसन्नता से स्नान किए और जगह जगह शौचालय बनाए गए हैं, जगह जगह अन्य सुविधाएं तमाम प्रदान की गई हैं और भक्तों के लिए, यात्रियों के लिए जो हमारे तमाम देश विदेश से आए हैं, पंजाब से तमाम आए हुए सतगुरु बाबा लाल दयाल नगर में हम लोग रुके हैं और वहाँ सब प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है। सफाई कर्मचारी जगह जगह पर व्यवस्था अपनी लगाए हुए हैं, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। सब सुख शांति से स्नान, शाही स्नान प्रथम बहुत अच्छा संपन्न हुआ। सभी कार्यकर्ता बराबर कार्य कर रहे हैं। आपके अलावा आपके क्षेत्र से पंजाब हरियाणा से भी बहुत सारी संख्या में साधु संत आए हैं। 3,000-1,008 महामंडलेश्वर गंगादास जी महाराज आए हैं जो बहुत बड़ा कैंप लगाए हैं और वहाँ पर अन्य जन की सेवा लगातार, लंगर चल रहा है, भंडारे चल रहे हैं और सभी लोग शाही स्नान में उनके साथ पंजाब से हरियाणा से काफी संत महात्मा आए हुए हैं और उनके देश विदेश में काफी शिष्य हैं, सभी लोग आए हुए हैं जी। संत के प्रति समाज में सम्मान बरकरार है? हाँ, तो अभी के घटनाएं हुई उसके बाद जी, इसके बावजूद भी संतों में जो सम्मान बरकरार है, जो अभी अभी बता रहे हैं घटनाएं हो रही हैं, इसका कोई भी ऐसा खराब असर नहीं है। संतों में बहुत जागरूकता है और सभी अखाड़े के लोग आए हुए हैं और बहुत अच्छा शाही स्नान कार्यक्रम यहाँ कुंभ का बहुत बढ़िया, इसको योगी जी ने पूर्ण कुंभ बना दिया, अर्ध कुंभ होते हुए पूर्ण कुंभ का दर्जा दिया, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबको। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।